तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय। और दो दिन से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आमिर खान के तुर्की में किसी के साथ मुलाकात के वजह से काफ़ी बहस हो रही है। तो आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये तो आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से मूवी के कुछ हिस्से बच गए थे शूट करने के लिए, और भारत सरकार ने किसी भी तरह की शूटिंग पर रोक लगाया था। इसीलिए अपने बचे हुए सीन की शूटिंग करने के लिए आमिर खान तुर्की पहुँच गए। उन्हें वहाँ शूटिंग करने की परमिशन मिल गई थी। तो अपने शूटिंग के द्वारा आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एडोगन से मुलाकात किया। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है। और 16 अगस्त को एमिन एडोगन ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, आई हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ मीटिंग विद आमिर खान, द वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर इन इस्तांबुल। आई वॉज हैप्पी टू लर्न दैट आमिर डिसाइडेड टू रैप अप द शूटिंग ऑफ हिज लेटेस्ट मूवी लाल सिंह चड्ढा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तुर्की। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। तो जैसे ही ये ट्वीट आया, लोगों ने इस पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी कमेंट किया आमिर खान के खिलाफ। और विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराज़गी जताई है आमिर के तुर्की फर्स्ट लेडी से मिलने पे। तो ऐसा क्या कर दिया है इस मोहतरमा ने कि लोगों में नाराज़गी इतनी है? तो प्रॉब्लम इनसे नहीं है, प्रॉब्लम इनके पति से है, रिसिप तैयब एडोगन। तो तुर्की के प्रेसिडेंट रिसिप तैयब एडोगन ने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है। आज से एक साल पहले जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाया था, तब पाकिस्तान तो बौखलाया ही था। पाकिस्तान का साथ देते हुए तुर्की के प्रेसिडेंट एडोगन ने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। और इस साल 15 फरवरी 2020 को जब एडोगन पाकिस्तान के पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। आपको बता दूं कि ग्रे लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें उन देशों के नाम होते हैं जो अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करते हैं। और भारत का बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ढकेलने में। तो ऐसे बहुत बार एडोगन पाकिस्तान के सपोर्ट में दिखते हैं। और अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि तुर्की में हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया गया, वो भी एडोगन के ही ऑर्डर से हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें एडोगन की मानसिकता बताया है और हागिया सोफिया म्यूज़ियम के बारे में भी बताया है। आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो भारत के लोगों को आमिर खान से शिकायत इस बात की है कि जो इंसान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो हमेशा भारत के विरोध में रहता है और जिसकी विचारधारा ऐसी है कि उसने सालों पुराने म्यूज़ियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे इंसान की वाइफ से मिलने की क्या ज़रूरत थी? ये मीटिंग लोगों में गलत संदेश देती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।